लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आ, किस तरीके से ओपनिंग एंट्री की जाती है ठीक है अब वो जो ओपनिंग एंट्री हम लोगों ने करी अब उसकी एंट्री पोस्टिंग हम लोग किस तरीके से लेजर में करते हैं इसको हम लोग देखते हैं ठीक है तो देखिए फॉर एन एग्जिस्टिंग एंट्री ऑफ एंटरप्राइज द बैलेंसेज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन बाय द बैलेंस शीट एट ईयर आर बॉट फॉरवर्ड इन दिग बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर तो जो भी आ, आ, बिजनेस हो एंटिटी हो या फिर एंटरप्राइज हो वो क्या करता है उसका जो बैलेंस होता है एसेट्स और लाइबिलिटी का जो बैलेंस शीट में दिखता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर उसको नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में उसको बॉट फॉरवर्ड करते हैं हम लोग ठीक है द एंट्री पास टू रिकॉर्ड सच क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ द प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री तो ये जो एंट्री करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर ठीक है उसी को बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग <coughs> एंट्री और उसी को ही बोलते हैं हम लोग उसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं लेकिन जो एंट्री हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग एंट्री ठीक है अब इसी में आगे बढ़ते हैं एज डिस्कस अर्लियर ऑल एसेट्स विल शोन डेबिट बैलेंस सच अकाउंट्स विल बी ओपन एंड द रिलेवेंट अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ठीक है तो जितना भी एसेट्स होता है वो क्या होता है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है ठीक है तो इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं ये ओपन किए जाएंगे और जो रिलेवेंट अमाउंट है ठीक है उसको जो डेबिट साइड होता है हमारा लेजर का उसको वहाँ पे लिखा जाएगा कैसे

इनपुट एस जी एस टी अकाउंट है प्लांट है लैंड एंड बिल्डिंग है सनरी क्रेडिटर है ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा किस तरीके से होगा यहां पे तो आ, सबसे पहले इसकी ओपनिंग एंट्री इसमें देखते हैं क्या क्या हमारे पास इसमें एसेट्स और क्या लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी यहाँ केवल एक है सनरी क्रेडिटर ठीक है और बाकी क्या है हमारी एसेट्स है ये जीएसटी है ये भी हमारी एसेट्स है ठीक है तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट सेंडरी क्रेडिटर्स सॉरी डेबिटर्स अकाउंट डेबिट स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट इनपुट आई जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट प्लांट अकाउंट डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट फिर क्या करेंगे जो डेबिट uh, साइड uh, है और क्रेडिट साइड है इनका टोटल देखेंगे अगर डिफरेंस आता है तो क्या करेंगे जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग uh, जिधर भी डिफरेंस आएगा अब इधर अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो उसको कैपिटल में डाल देंगे ठीक है तो जो कैपिटल आ जाएगी हमारी क्योंकि यहाँ कैपिटल दीने गई है तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल हो जाएगी हमारी ठीक है क्लियर है ये ठीक तो चलिए जो एंट्री है मैंने आपको वर्बली बताई है उसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं ठीक है ये देखिए ये नहीं हमारी जनरल एंट्री ठीक है ये हमारी क्या हो गई जर्नल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट इनपुट आई जी एस टी इनपुट एस जी एस टी डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू सन्ड्री क्रिएटर सबका अमाउंट लिख दिया उसके बाद बैलेंस किया तो जो डिफरेंस आएगा वो किधर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा तो इसलिए जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो किस में जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्लियर है तो यहाँ नोट है इसको देखते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है ठीक है नोट में देखिए द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज द प्रोपराइटर्स कैपिटल एंड इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट जो एक्सेस होता है लाइबिलिटीज के ऊपर एसेट्स का उसको बोलते हैं प्रोपराइटर्स कैपिटल इसलिए उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ठीक है इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एंड इनपुट एस अकाउंट हैव डेबिट बैलेंस जो आईजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट अकाउंट होता है ठीक है उसमें क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है इसलिए उसको डेबिट किया गया है ठीक है क्लियर है अब लेजर बनाते हैं इनकी ये जनरल एंट्री हम लोगों ने करी अब इसकी लेजर बनाते हैं ठीक है तो चलिए सबसे पहले बनाया हम लोगों ने कैश अकाउंट क्या बनाया कैश अकाउंट जो बैलेंस हम लोग डाले है. है? अब में क्या जाएगा ट्वेंटी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ट्वेंटी थाउजेंड ठीक उसके बाद सेंडरी डेटर्स अकाउंट जाएगा सेंडरी डेटर अकाउंट बनाया हम लोगों ने टू बैलेंस रॉट डाउन सन्डरी डेटर सिक्सटी थाउजेंड आ गया हमारा डेबिट बैलेंस है डेबिट में ही दिखाएंगे डेबिट साइड में ठीक है क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ठीक आगे बढ़े इसी में नेक्स्ट इसी में आ गया अब सेकेंड अकाउंट बनेगा हमारा स्टॉक अकाउंट थर्ड अकाउंट सॉरी स्टॉक का बैलेंस कर दिया आई जी अकाउंट बना उसका बैलेंस कर दिया एस जी एस टी बनाओ उसका बैलेंस आ गया प्लांट अकाउंट बनाओ उसका बैलेंस लैंड एंड बिल्डिंग आ गया उसका बैलेंस डेबिट में आ गया इतना अमाउंट हमारा डेबिट में आ गया अब उसके बाद क्या आ गया सनवी क्रेडिटर्स ये क्रेडिट साइड में जाता है हमारा तो ये क्रेडिट में दिखा दिया ठीक है किधर दिखा दिया हम लोगों ने सनवी क्रेडिटर्स क्रेडिट में दिखा दिया ठीक है सनवी क्रेडिटर हमारा नीचे गया या सनवी क्रेटर हम लोगों ने क्रेडिट में दिखाया क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसी में कैपिटल अकाउंट बनाया उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो अमाउंट इधर ब्रॉड डाउन कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट आ गया हमारा यूज ऑफ द वर्ड्स टू एंड बाय अब कैसे यूज करना है इन वर्ड्स को जो टू और बाय लिखा होता है इसको कैसे यूज करते हैं ठीक है ठीके? इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं सिंपल है ठीक है तो इट इज कस्टमरीरीमरी टू यूज दर्ड टू विमिलरली दर्ड बाज यूज विद विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट जो भी अकाउंट डेबिट साइड में दिखाया जा रहा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे टू का यूज करेंगे और जो भी अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा उसके लिए हम बाई का यूज करेंगे ठीक टू बाय लिखते हैं हम लोग इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है मॉडर्न अकाउंटेंट्स दे आर फोर डो नॉट यूज दीज वर्ड जो मॉडर्न अकाउंटेंट्स होते हैं वो इन वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं क्लियर है ये तो अभी के लिए हम लोग इतना ही इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेजर को बैलेंस किया जाता है ठीक है